वो भाई साहब खुशबू आ रही है जो इसके अंदर से। हेलो दोस्तों, वेलकम रैबिट्स किचन, हियर इज पंकज लाथिया। तो आपको पता है कि मैं हर बार कुछ नया कंटेंट लेके आता हूँ, तो इस बार मैं ना बैम्बू चिकन बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना अभी मैं जंगल में आया हूँ और मैं यहाँ पे ना बैम्बू ट्री ढूंढ लेता हूँ और उसके पीस कर लूँगा। सबसे पहले हमें बैम्बू के पीस चाहिए जिसमें हम चिकन फिल करेंगे, और आप देखना कि कैसे कैसे बनाते हैं बैम्बू चिकन, और काफ़ी मज़ा आएगा इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं बैम्बू ट्री ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे, और इस ब्लॉग में काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी टाइम लगेगा, पर मज़ा आएगा। और जो टेस्ट होगा ना बैम्बू का फ्लेवर का और तंदूर के फ्लेवर का, काफ़ी बढ़िया रहेगा और मज़ा आएगा इस ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो ना प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। तो सबसे पहले मैं बैम्बू ट्री ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बैम्बू ट्री दिखा हुआ है और ये काफ़ी, ये वाला पीस ना, ये वाला काफ़ी अच्छा है। इसकी सफाई कर लेता हूँ और मैं इसको काट लेता हूँ। अभी लगभग 2 से 3 मेरे को पीस चाहिए इसके, और ये काफ़ी मोटा है और अच्छा है, तो मैं काट लेता हूँ अभी इसको। इस साइज़ के मेरे को 3 चाहिए, और नीचे से काट लिया हुआ है मैंने, तो मैं अभी यहाँ से इतने इतने साइज़ के 3 काट लूँगा। तीन बैम्बू रेडी हो गए, ये रहे। अभी इसको दूसरी जगह पे लेके अच्छी तरह से साफ करता हूँ, इनके होल साफ करता हूँ। ये तो काफ़ी बढ़िया हो गए, चिकन अच्छी तरह से साफ कर लिया हुआ है। इसको मैं एक बड़ी सी प्लेट में डाल शिफ्ट कर दूंगा। छोटे छोटे पीस किए हुए मैंने चिकन के। आप सबसे पहले इस पे मसाले डालेंगे, ये चल गया रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड मिर्च कहते हैं इसको। उसके बाद नमक जितना आपको टेस्ट में चाहिए, उसके बाद आ जाएगा चिकन मसाला, उसके बाद ये आ गया अपना धनिया पाउडर। फिर आ जाएगा हमारा जीरा पाउडर, थोड़ा सा ही डालूंगा इसको। उसके बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। फिर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूंगा इसके ऊपर, अच्छे से मैरिनेट होगा। उसके बाद ये लास्ट में हम बटर डाल देंगे, और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, एकदम कमाल का, और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है लेमन और जिंजर गार्लिक की, ये देखिए। काफ़ी अच्छे से मसाले लगे हुए हैं, अभी मैं इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देता हूँ। ये अभी इसको
मैं साइड पर अभी इसको छोड़ देता हूँ, मैं अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। इसको मैरिनेट हुए लगभग 1 से 2 घंटा हो गया और कुछ इस तरह से दिख रहा है। और ना अभी इसमें यहाँ मैं चॉप किए हुए ये कैप्सिकम, टमाटो और अनियन लिया हुआ है, वो इसमें मिक्स कर लूँगा मैं। अभी टाइम है इसको बैम्बू में डालने का। मैंने बैम्बू एकदम अच्छे तरह से साफ कर लिए हुए हैं अंदर से बाहर से, और अंदर से ना काफ़ी अच्छी फ्लेवर आ रहा है इसमें और काफ़ी अच्छा खुशबू आ रही है। अभी इसको मैं बैम्बू में अंदर डाल दूँगा। अरोमा बैम्बू आ गए, एकदम साफ किया है। और अभी इसमें ना फिल कर लेता हूँ मैं अपना चिकन, अंदर से एकदम साफ होना चाहिए। सारे बैम्बू में कुछ इस तरह से भर लूंगा और ना अभी लास्ट में इसमें इसके ऊपर ना रोटी लगा के इसको बंद कर दूंगा। ये कुछ ऐसा हो गया, अभी मैं इसके ऊपर रोटी लगा लूंगा। इसको ना रोटी से बंद कर लेंगे, कच्चा आटा लिया हुए ऐसे कुछ इस तरीके से बंद कर लेना। अब इसको ना जलाना है हमें, बैम्बू को ना एकदम जलाना है इसको। तो मैं साइड पर भी आग जला लेता हूँ, तो अभी इसको एकदम सील कर देना, बाहर ना निकले। जी बैम्बू 2 रेडी कर लिए हूँ मैंने, अभी मैं इसको आग के ऊपर रख देता हूँ। अब इसको ना लगभग इसको 1 घंटा लग जाएगा एकदम अच्छे से पकने में, तो अभी इसको रोटेट करते रहना थोड़ी थोड़ी देर में। ये तो एकदम तैयार हो गया, एकदम जल गया है सारा बैम्बू, कुछ आवाज़ भी आ रही है इसमें से। अब इसको खोलते हैं और प्लेट में डालते हैं। इसकी ग्रेवी बाहर निकल रही है और अभी दूसरी प्लेट में शिफ्ट करता हूँ चिकन, जो अंदर पक चुका हुआ है गर्म है। इसको निकालते हैं स्पून के साथ। ओ भाई साहब खुशबू आ रही है जो इसके अंदर से, ये 1-2 पीस निकाल के मैं देखता हूँ कैसे बना हुआ है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आई एम सॉरी, बैम्बू चिकन बनाने का आइडिया जो था एकदम वर्स्ट था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया चिकन खाने में, एकदम बेकार सा चिकन बना था। हमारे पास और भी जरिए हैं कि हम वो चिकन अच्छा बना सकते हो जिसमें देसी वाली फीलिंग आए, पर ये ऐसा नहीं बनाना, बिल्कुल बेकार था। पर मैंने ये मूड नहीं था कि मैं ये वीडियो डालूँ यूट्यूब पर, क्योंकि ख़राब हो गया तो मैं यूट्यूब पर डाल के क्या करूँगा। पर 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मैंने ये वीडियो बनाई है, इतनी गर्मी में बनाई हुई, इतनी मेहनत की थी, हाथ में शाले बढ़ गए वो बैम्बू काटते काटते। तो सोच रहा हूँ कि मैं ये वीडियो डाल देता हूँ, तो पता नहीं आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, पर शायद आपने इंजॉय किया होगा। अगर नहीं किया तो बता देना मेरे को, पर डाल दी मैंने वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। पर अच्छा नहीं था ये एक्सपीरियंस मेरे लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लव यू ऑल, जय हिंद।